हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिकेट फिट। आज के इस वीडियो में हम नॉकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। आपने बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर को देखा होगा, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे, मैच शुरू होने से पहले, टॉस से पहले वो हाथ में सिर्फ ग्लोव्स पहन के, बिना पैड के, बिना हेलमेट के ड्राइव शॉट या पुल शॉट या जो उनका फेवरेट शॉट होता है उनकी प्रैक्टिस करते हैं, नॉकिंग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि नॉकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। नॉकिंग प्रैक्टिस के तीन फायदे हैं। पहला फ़ायदा है मसल मेमोरी को एक्टिव करना। जब आप नॉकिंग प्रैक्टिस करते हो तो आपका क्या होता है, मसल मेमोरी एक्टिव होता है। जो आपने शॉट्स की ड्रिल्स की होती है, प्रैक्टिस की होती है, तो नॉकिंग प्रैक्टिस की वजह से क्या होता है कि जो आपका जो बैट का फ्लो है, हेड पोजीशन है, आपकी बॉडी मूवमेंट है, जो मसल मेमोरी क्रिएट हुई होती है एक पर्टिकुलर शॉट्स के लिए, वो एक्टिव हो जाती है। मैच से पहले एक दिन या रात को आप रेस्ट करते हो और मैच को जाने के बाद आप चाहे एक्सरसाइज करो, वार्म अप करो, लेकिन उससे आपकी मसल पूरे तरीके से एक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन जब आप बैटिंग को जाते हो मैच में तो क्या होता है कि पहले 5-6 बॉल आपका फुटवर्क अच्छा नहीं होता, शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं होता, आपको रिएक्शन टाइम नहीं मिलता, उसकी वजह से आप गलत शॉट खेलते हो। तो अगर आप बैटिंग को जाने से पहले नॉकिंग करते हो, नॉकिंग प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी मसल मेमोरी एक्टिव होती है, जो आपको हेल्प करती है सही शॉट सिलेक्शन में, आपको रिएक्शन टाइम इम्प्रूव होता है और आपका जो फुटवर्क है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है नॉकिंग प्रैक्टिस से। आपने विराट कोहली को देखा होगा, वो कवर ड्राइव की, ड्राइव्स की प्रैक्टिस करते हैं। आपने रोहित शर्मा को देखा होगा, वो मैच शुरू होने से पहले पुल शॉट, कट शॉट की प्रैक्टिस करते हैं, ड्राइव्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनकी मसल मेमोरी को एक्टिव करते हैं, ताकि जो मैच में जाने के बाद जब बैटिंग करने के जाएंगे तो उनका रिएक्शन टाइम, उनकी जो मसल मेमोरी है, उनको हेल्प करे बैटिंग में। आप मैच से पहले जब नॉकिंग करते हो तो सेकेंड फायदा ये है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है बूस्ट हो जाता है। जब आप ड्राइव्स करते हो, शॉट्स की प्रैक्टिस करते हो, नॉकिंग करते हो, तो जो बैट को बॉल लगता है, जो फील होता है, जो साउंड आता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि बैट्समैन का एक कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है कॉन्फिडेंस, उसको जो फीलिंग आती है शॉट्स खेलने में, तो उससे क्या कॉन्फिडेंस अच्छा बूस्ट हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए नॉकिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नॉकिंग प्रैक्टिस करते वक्त जो शॉट्स खेलते हैं, उसके बाद जो बॉल बैट को लगता है, जो आवाज़ आता है बैट को बॉल लगने के बाद जो फील होता है, तो उससे बैट्समैन का जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो मैच में जाने से पहले, बैटिंग को जाने से पहले नॉकिंग करने से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी अच्छे से बूस्ट होगा। नॉकिंग प्रैक्टिस का तीसरा फायदा है कि आई साइड अच्छी होती है और बॉडी अलाइनमेंट अच्छी होती है। तो बैटिंग को जाने से पहले क्या होता है, हम रेस्ट कर रहे होते हैं, हम वार्म अप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी उतनी एक्टिव नहीं होती है। अगर आप डायरेक्टली बैटिंग को जाओगे तो हो सकता है कि आपका फुटवर्क अच्छा ना हो, आपको बॉल साइड होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप बैटिंग को जाने से पहले मैच में या नेट में बैटिंग में जाने से पहले अगर आप नॉकिंग प्रैक्टिस करते हो तो आपकी आई साइड अच्छी हो जाती है, बॉडी अलाइनमेंट अच्छी हो जाती है, जो बॉल बैट को लगता है, बैट स्विंग, आपका जो फुटवर्क निकलता है ड्राइव्स करते वक्त, पुल शॉट करते वक्त, जो मसल मेमोरी एक्टिव होती है, उसकी वजह से आपकी बॉडी अलाइनमेंट और जो आई साइड है वो अच्छी इंप्रूव हो जाती है। और जब आप बैटिंग को जाते हो तो आपको जो रिएक्शन टाइम है वो काफ़ी अच्छा मिलता है शॉट्स खेलने में। मैच में या नेट में बैटिंग को जाने से पहले अगर आप नॉकिंग प्रैक्टिस करते हो तो आपकी आई साइट अच्छी हो जाती है, बॉडी अलाइनमेंट अच्छी हो जाती है, जो बॉल बैट को लगता है, बैट स्विंग, आपका जो फुटवर्क निकलता है ड्राइव्स करते वक्त, पुल शॉट करते वक्त, जो मसल मेमोरी एक्टिव होती है, उसकी वजह से आपकी बॉडी अलाइनमेंट और जो आई साइट है वो अच्छी इंप्रूव हो जाती है। और जब आप बैटिंग को जाते हो तो आपको जो रिएक्शन टाइम है वो काफ़ी अच्छा मिलता है शॉट्स खेलने में। तो इस प्रकार नॉकिंग प्रैक्टिस से आपकी मसल मेमोरी एक्टिव होती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आई साइट और बॉडी अलाइनमेंट को इम्प्रूव होने में हेल्प होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप बैटिंग को जाने से पहले नॉकिंग प्रैक्टिस करते हो या नहीं।